हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक इज शंख पुष्पी। आज मैं इस वीडियो में आपको शंख पुष्पी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये किस डिजीज़ में यूज़फुल है, इसको कितनी मात्रा में लेनी है और इसकी प्राइस क्या है, सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, दैट इज़ कॉल्ड शंख पुष्पी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे फ्रेंड्स जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो जो है शंख पुष्पी। तो सबसे पहले इसकी पैकिंग मैं आपको दिखा देती हूँ शंख पुष्पी की। इस तरह की इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं, बड़े से पैक में ही आती है। ये डाबर कंपनी की है और भी बहुत सारी कंपनियाँ इसे बनाती है। ये पैकिंग जो है इसमें दो बॉटल जो है शंख पुष्पी है, क्योंकि 50% एक्स्ट्रा जो है आपको मिल रही है, आप देख सकते हैं इसमें। तो एक बॉटल के साथ एक कंपनी जो है आपको फ्री दे रही है, जो कि बहुत अच्छी है। तो आइए देखते हैं शंख पुष्पी की मेन फंक्शनिंग क्या है। ये जो है ज्वर अनिद्रा रोगों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा जो ये प्रचलित है जिस चीज़ के लिए, वो है ये मेंटली भूलने की जो बीमारी होती है, यानी कि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में या तो मस्तिष्क के तनाव को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये जो है आप शंख पुष्पी को एक बुद्धिवर्धक, आयुवर्धक, मानसिक रोगों को दूर करने वाली उत्तम रसायन जो है इसे माना गया है आयुर्वेद में। यानी कि ये जो है हमारी बुद्धि को भी बढ़ाती है, स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है और जो है जितनी भी मानसिक तनाव है उसको दूर करती है। ये आयुर्वेद में इसे एक उत्तम जो है औषधि मानी गई है। शंख पुष्पी एक आयुर्वेद में इसे हम औषधि के रूप में यूज़ करते हैं, जो विभिन्न रोगों में जो है कारगर है। ये अगर इसके स्वाद की हम बात कर लें तो ये स्वाद में कसेली और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली होती है, शीतल तथा वाणी को मधुर बनाने वाली होती है। ये जो है हमारे वाणी को भी जो है वो मधुर बनाती है और हमारे मस्तिष्क को जो है 100% शीतलता देती है, क्योंकि ये किसी भी तरह के तनाव को जो है वो दूर करती है। तो इसलिए ये मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाती है और हमारे वाणी को भी शीतल बनाती है। इसका सेवन करने से जो है पाचक अग्नि तेज होती है, यानी कि अगर भूख नहीं लगती है तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को भी जो है धीरे धीरे ठीक करती है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो वो उसको भी ये धीरे धीरे ठीक करके आपके भूख लगने की जो टेंडेंसी होती है उसे बढ़ाती है। इसमें इतने अच्छे जो है इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जिसकी वजह से ये इतनी पावरफुल मेडिसिन है कि ये कुष्ठ व कृमियों को भी नाश करने की जो है क्षमता रखती है। और जो है ये पित्त रोगों में भी जो है बहुत काम है, पित्त का शमन होता है इससे अगर आप इसका सेवन करते हैं। यह मिर्गी रोगों में भी उत्तम है। अगर किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम है और शंख पुष्पी का सेवन करते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत लाभकारी साबित होती है। इसमें जो है मस्तिष्क को शक्ति देने वाली वनस्पतियां डाली गई हैं, यानी कि जो हमारे माइंड को पावरफुल बनाए वैसे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डाला गया है। इसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट है, यानी कि प्रधान इंग्रेडिएंट है, वो है शंख पुष्पी, ब्राह्मी, वच। ये तीनों चीज़ें इसकी मुख्य इंग्रेडिएंट है और आयुर्वेद में जाना माना ये तीनों चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाने में बहुत जो है लाभकारी या कारगर है, आप कह सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ही हमारे मेंटल स्टेटस को बहुत हद तक ठीक करती है। ये जो है स्मरण शक्ति अगर किसी की कमज़ोर हो गई है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। वो स्मरण शक्ति को धीरे धीरे जो है तेज़ करती है और रिकवर भी करती है। बहुत से लोग बहुत चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। ये जो है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं मेनली ये जो है मस्तिष्क संबंधित रोगों में जो है विशेष लाभ देता है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। यानी कि मेंटल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए शंख पुष्पी जो है बहुत बढ़िया एक मेडिसिन है। ये जो है हाई ब्लड प्रेशर को भी बहुत हद तक नियंत्रित करता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली जो टेंशन होती है, उससे जो मानसिक तनाव होता है उसमें ये आपको रिलीफ दिलाती है। और जब मानसिक टेंशन से आपको रिलीफ मिलती है तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे आपकी कंट्रोल में आती है।
ये मानसिक तनाव को आप कह सकते हैं 100% तक दूर करती है, और जिसके कारण जो है अगर किसी को अनिद्रा की भी प्रॉब्लम है यानी कि नींद नहीं आती है तो उसमें भी ये लाभकारी है, क्योंकि अगर आपको आपकी टेंशन जो है वो जब ख़त्म होने लगती है तो आपकी मस्तिष्क की जो नर्व्स है वो शांत होती है, और शांत होने के कारण धीरे धीरे आपको नींद जो है बहुत अच्छी आने लगती है। शंख पुष्पी जो है ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी पैकिंग के पिक्चराइजेशन में भी आप देख सकते हैं कि बच्चों का फ़ोटो डाला गया है, यानी कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, बच्चे हो या उससे थोड़े बड़े साइज़ के बच्चे हो, किसी भी वर्ग के हो बच्चे, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। जैसे कि वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। बहुत से बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में जाकर लिख नहीं पाते हैं और वो जो याद किया हुआ है उसे भूल जाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए भी ये शंख पुष्पी जो है ये बहुत अच्छी एक मेडिसिन है, आयुर्वेद के द्वारा बनाई गई, और जो है ये स्मरण शक्ति को बहुत हद तक बढ़ाती है। अगर छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, कोई भी इसे ले सकते हैं स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, और बड़े बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं। किसी भी वर्ग के लोगों के लिए ये जो है फ़ायदेमंद है। बच्चे अगर 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप इसे आराम से दे सकते हैं, और बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, एडल्ट्स भी ले सकते हैं, और कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे इसमें जो है ऐसे तत्व डाले गए हैं जिससे कि आपके बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये 100% आयुर्वेदिक है, इसमें अनायुर्वेदिक कुछ भी नहीं है। इसकी पैकिंग में भी लिखी गई है कि ये 100% आयुर्वेदिक चीज़ों से इसे बनाया गया है, और ऐसा बिल्कुल देखा भी गया है कि ये आयुर्वेदिक तत्वों के कारण इसमें कोई भी बच्चे भी लेते हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आइए इसकी अब मैं प्राइस की बात कर लेती हूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 180 रुपीज़, यानी कि इसकी प्राइस जो है वो 180 रुपये इसकी MRP है। तो ये जो है हमारे लक्ष्मी आयुर्वेद में भी उपलब्ध है, और नहीं तो कहीं भी किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान में आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत प्रचलित और फेमस मेडिसिन है माइंड के लिए और कंसंट्रेशन के लिए, तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। अगर आप इसकी डोज की बात कर ले तो अगर आप इसके बच्चों को दे रहे हैं, 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो एक एक चम्मच आप सुबह शाम दें, और अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2-2 चम्मच आप 2 बार से 3 बार तक भी ले सकते हैं। आपको अगर इसकी डोज़ की फिर भी अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है और आपको डोज से परेशानी हो रही है, तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद भी इसकी डोज़ को सेट करवा सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली बच्चों के लिए 1-1 चम्मच और बड़ों के लिए 2-2 चम्मच का नॉर्मल जो डोज है वो होता है। तो ये थी इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आगे भी मैं बहुत सारे मेडिसिंस की रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी, आपके हेल्थ रिलेटेड होंगी। सो टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय।